दोस्तों टीम इंडिया में हो गई ऐसे मुस्लिम खिलाड़ी की एंट्री जिसने ले ली विराट कोहली की जगह है। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आएगा, रनों का तूफान लाएगा। तीसरे टेस्ट में आएगा तूफान जब मैदान पर बल्ला थाम कर उतरेगा ये खान। टेस्ट में कट गया विराट कोहली का पत्ता, रोहित शर्मा ने खेल दिया ऐसा खेल, राहुल द्रविड़ भी हो गए फेल। और इंग्लैंड के खिलाफ अगले टेस्ट मैच में बड़े बदलाव के संकेत, भारत का डॉन ब्रेडमैन उतरेगा मैदान पर, करीब 100 की औसत और 80 का स्ट्राइक रेट, खाली कसम विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ कर लेंगे दम। दोस्तों आप माने या ना माने, विराट कोहली का टेस्ट टीम से पत्ता कटने वाला है। बस एक मैच का इंतजार किया जा रहा और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे टेस्ट मैच में साबित हो ही जाएगा कि विराट कोहली का टेस्ट करियर कितने दिनों का बचा हुआ है। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच में भले ही विराट कोहली मैदान पर न उतरे हों, लेकिन उनकी जगह रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज को उतारना चाहते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने बल्ले से हाहाकार मचा चुका है, जिसके बल्ले के तूफान के आगे बड़े बड़े गेंदबाज फेल नजर आते हैं और जिसका लोहा खुद BCCI मानने को मजबूर हो गया है। दोस्तों आलम यह है कि अब उस बल्लेबाज की वजह से विराट कोहली का पत्ता कट सकता है। बस अगर एक मैच में वह चल गया तो समझ लीजिए कि विराट कोहली के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि विराट कोहली को कभी टेस्ट टीम में जगह भी ना मिले, और मिले भी तो वह तीसरे नंबर पर नहीं बल्कि 7वें या 8वें नंबर पर खेलते नजर आए। और दोस्तों हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं उसे भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट का सर डॉन ब्रेडमैन की तरह माना जाता है, और उसका नाम है सरफराज खान। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे टेस्ट मैच में कई बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और टीम इंडिया के 4 सबसे अहम खिलाड़ी चोटिल है, और इस वजह से कुछ नए खिलाड़ियों को शामिल किया जा सकता है, और इस लिस्ट में बल्लेबाज सरफराज खान का नाम भी शामिल है। दोस्तों 26 साल के सरफराज खान ने इस मैच से पहले खुलकर बात की और अपना लक्ष्य बताया। दोस्तों बता दें कि सरफराज खान की नजर में उनके जीवन के असली हीरो उनके पिता नौशाद अहमद हैं, जिन्होंने अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने में बहुत ही मेहनत की है। और दोस्तों सरफराज खान ने खुद इस बात का जिक्र किया कि मेरे पिता ने मुझे क्रिकेट से जोड़ा और मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं क्यों खेल रहा हूँ, मैं एक आक्रामक बल्लेबाज हूँ और मैं दूसरों की तुलना में जल्दी आउट हो जाता था और बड़ी पारियां खेलना मुश्किल हो रहा था। और साल 2015-16 के घरेलू सत्र में अंडर 19 मैच के दौरान मुंबई के चयनकर्ताओं के साथ दिक्कत में पड़ने के बाद सरफराज खान ने उत्तर प्रदेश के लिए खेलने का विकल्प चुना। और सरफराज खान ने कहा कि उनके पिता उन्हें बल्लेबाजी करते देखने के लिए उत्तर प्रदेश या जहां भी टीम खेलती थी वहां चले जाते थे। बता दें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी सरफराज का स्ट्राइक रेट करीब 80 का था, जो उन्हें बाकी के बल्लेबाजों से अलग बनाता है। और दोस्तों सरफराज खान से जब उनके प्रदर्शन में निरंतरता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी ताकत यह है कि मैं आसानी से संतुष्ट नहीं होता, मैं हर दिन 500 से 600 गेंद खेलता हूँ, अगर एक मैच में कम से कम 200 से 300 गेंद नहीं खेल पाता तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ खास नहीं किया, अब तो आदत सी हो गई है। और दोस्तों अभी हाल ही में सरफराज खान का सिलेक्शन टीम इंडिया में हुआ है और वो अपना टैलेंट दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। और दोस्तों सरफराज खान बीते 2 या 3 सालों से नहीं बल्कि करीब 15 सालों से क्रिकेट के मशहूर चेहरे बन चुके हैं। दरअसल साल 2009 में सरफराज खान ने सचिन तेंदुलकर का एक बेहद ही खास रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उन्होंने स्कूल लेवल के मशहूर हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में 439 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जो कि उससे पहले सचिन तेंदुलकर ने 346 रन बनाए थे। और दोस्तों हैरिस शील्ड ट्रॉफी में तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद ही सरफराज चर्चाओं में आ गए थे।
थे और बाकी की चर्चाएं उन्होंने रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करके बटोरी हैं और मुंबई के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले सरफराज खान लगातार दमदार प्रदर्शन करते हुए दिख रहे थे और जिसके बाद ही उनका सिलेक्शन टीम इंडिया में किया गया है। तो दोस्तों, सरफराज खान के सिलेक्शन पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या विराट कोहली की जगह सरफराज खान ले सकते हैं और उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और दोस्तों अपने इस भरोसेमंद चैनल मिर्ची 9.7 AM को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दोस्तों प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आप सब लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।